गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। सुबह का 6:30 बज रहा है और अभी जस्ट मैं उठी हूँ और कुछ भी नहीं दिख रहा है। कोहरा देख रहे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग तो वैसे मैंने सुबह बोल दिया था और आप देख रहे हो मैं थोड़ा सा तैयार हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ और आपको भी लेकर चलती हूँ अपने साथ। एक्चुअली अचानक से प्लान बना तो इतना सडन जल्दी जल्दी हो रहा है और 10:30 बज रहा है और जल्दी पहुंचना है क्योंकि वहाँ फिर बहुत भीड़ हो जाती है, फिर कोरोना में ऐसे घूमना अच्छा नहीं लगता हम लोग को खुद। तो चलती हूँ जल्दी जल्दी। हम लोग कैब से जा रहे हैं और मेरे साथ जा रही है श्रद्धा, श्रद्धा का लड़का, और तन्नू, तन्नू आगे बैठी है। कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए पीछे सिर्फ 2 लोग रहेंगे। श्रद्धा के घर यहाँ से थोड़ा सा खाना खाएंगे, उसके बाद तैयार होकर जाएंगे क्योंकि श्रद्धा के घर से अमीनाबाद थोड़ा पास पड़ता है, इस वजह से इनकी भी पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लिखो 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 बेबी लिखो। अभी खूब पढ़ लिख रहे हैं और जब स्कूल कॉलेज जाने लगेंगे ना तब इनको जबरदस्ती बैठा के पढ़ाया जाएगा। ये टोटी का टोटी बता रहा है तुम्हें, टोटी है। लोकेशन रोटी बनाओ ये नहीं, कुछ पहन के जाने वाला था ना। वाओ ये मेरा बैग किसे पूछ के यूज किया? मैं व्लॉग बनाती हूँ। 100 सब्सक्राइबर हो गए मेरे, ठीक है। 108 सॉरी। डाल जरूर देना, डाल जरूर देना, इनका तो पड़ा है। मामा को दे दो, मामा को, मामा दे दो, मामा ये दो। मेरा फोन नहीं रहे। चला रहे हो ये टोटी लेके जा रहे हैं। चलो चलो आओ, बाय करो, आओ बाय 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 करो, बाय जा रहे हैं रोटी लेकर के अपनी। ये रहने दो यार, देख यार ये सब लोग वाली परेशान है, मतलब भाई ना लगे तुम हो भाई रंग मारो। दो भाई तो क्या करें, खड़ी है प्यार करती आंटी चाहे कुछ नाम तनु हुए ही होगा। हाँ भैया, ओ मम्मी तो गिरा देंगे। और वो जो बड़ा दिल रहा है स्टंट, वाओ। और उसको भी कितनी मजा आ रही है, उसे पकड़ रहे हैं। हाँ पकड़े रहना, गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। मम्मी उतारो उसको, उतार। डूम 4 बन रही है, डूम डूम। हम लोग ई रिक्शा से जा रहे हैं क्योंकि अमीनाबाद ऑटो ऑटो कुछ जाता नहीं है। ये श्रद्धा मैं जा रहा हूँ। ये जो एरिया है ये नखास है और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश और इतना ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन, ऐसा लग रहा था पूरे लखनऊ में यहीं पे लोग हैं सारे और सब इतनी जल्दी में थे कि आज ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी वाला सिस्टम था यहाँ का। हम लोग ने मास्क लगा लिया है क्योंकि जब ऑन द वे इतनी भीड़ है तो मेन मार्केट में कितनी भीड़ होगी। और रास्ते में हमें एक दोस्त मिला है, मिली है मिला है पता नहीं। और फाइनली इतनी स्ट्रगल के बाद हम अमीनाबाद पहुँच गए।
हम लोग ने कुछ लटकन खरीदी बेसिकली अपने ब्लाउजेज और लहंगे के लिए जो कि हमें लगवानी थी और बहुत टाइम से लेनी थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, प्लस मार्केट प्लेस से यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल जाता है और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होती हैं, तो हम लोग लटकन यहीं से लेना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे मैं पहली बार आई थी और इस एरिया को गड़बड़झाला कहते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है, बैंगल्स मिलती हैं और A1 सामान मिलता है, मतलब बहुत ही एंटीक। बहुत ही प्यारे प्यारे कंगन मिल रहे थे और बहुत ही अच्छे रेट में मिल रहे थे, सेल में बेसिकली मिल रहे थे, तो हम लोग ने 3-4 सेट भी कंगन के लिए। देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फ़ोटोज़ से ज़्यादा, इस वीडियो से ज़्यादा रियलिटी में बहुत सुंदर थे। फिर आगे जा कर के जूड़ा के लिए भी बहुत अच्छी ज्वेलरी मिल रही थी, हम लोग ने वो भी लिए क्योंकि एक बार आप ले लेते हो तो हर वेडिंग में ऑलमोस्ट काम आ ही जाता है। और भाई साहब आप भीड़ देख रहे हैं, दोपहर का ये 2 बज रहा था। फिर हम लोग ने थोड़े से कार्डिगन्स खरीदे अपने लिए क्योंकि नया ख़रीदने का मन था। ख़रीदारी करते करते हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो ये जो है ये यहाँ का फेमस चाट और टिक्की के लिए है, तो हम लोग ने यहाँ पे थोड़े से बताशे खाए और फिर आगे चल पड़े। फिर फाइनली आती है शादी बारात में देने लेने के लिए साड़ियाँ, तो फिर हम लोग ने उसकी भी शॉपिंग की क्योंकि एक दो शादी और थी हम लोग के यहाँ, तो हम लोग को साड़ी लेनी थी बेसिकली, तो कुछ साड़ियाँ मैंने ली, कुछ साड़ियाँ श्रद्धा ने भी ली। हम लोग जो हैं आए थे करीब 1 बजे और अब 7 बज रहा था। ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। क्यों नहीं आओगी? हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअली तनु की ज्वेलरी नहीं मिली है और तनु जो है वो पूरे दिन घूम घूम के एकदम परेशान हो चुके और अब हम लोग जा रहे हैं चौक छोला भटूरा खाने के लिए क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लगी है और अमीनाबाद में हम लोग ने चुटर पुटर खाया है थोड़ा सा तो मिलते हैं आपसे छोला भटूरा खाने के टाइम। एक्चुअली अमीनाबाद में ना स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जो जो आपको चाहिए होता है वो नहीं मिलता कभी भी, जैसे कि ऑरेंज इयररिंग ये ऑरेंज इयररिंग ना मिलने का दुख है जो तन्नू के मुंह पे जाना है। चौक के फेमस छोले भटूरे हैं और बहुत ही खाए भी नहीं थे तो फाइनली हम लोग उस पर भी टूट पड़े। इसके बाद जब मैं घर आई तो जैसे हम लोग की गाड़ी रुकी वहाँ बॉक्स से मुझे दिखा, फिर मैंने इन लोग को बिस्किट खिलाया। अब मैं फाइनली जब घर आई हूँ तो इसका वेलकम, ये देखिए कितना खुश है ये, पूरे दिन बेचारा आज अकेले था। So happy to see you. बेटा फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और इतना रिलीफ मिल रहा है रजाई में लेट के। ठंड तो उतनी नहीं लगी लेकिन इतनी हालत ख़राब हो गई आज अमीनाबाद में घूम के। और हम लोग एक्चुअली कुछ खास लेने नहीं गए, हम लोग रास्ते में भी यही डिस्कस करते कि हम लोग अमीनाबाद गए क्यों थे। एक दो सामान के लिए हम लोग अमीनाबाद चले गए अचानक से, एकदम मूड बना, प्लान बना और निकल लिए। ज़्यादा कुछ नहीं देने लेने वाले, जो सामान होते हैं हम लोग वही लेकर आए हैं वहाँ से और ज़्यादा स्टफ़ कुछ नहीं लाए अब। लेकिन पूरे देश में कोरोना का संकट है लेकिन अमीनाबाद में तो दूर दूर तक लगता ही नहीं कोई कोरोना कुछ होता भी है, मतलब कोई मास्क कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो भाड़ में जाए, मास्क तक लोग नहीं लगा रहे थे, मतलब हॉरेबल, लिटरली अ हॉरेबल सिचुएशन। की आदत भी नहीं है इतना चलने की जितना आज हम लोग ने अमीनाबाद में चले हैं, हम लोग की बहुत ही कम आदत है चलने की क्योंकि हमें कहीं भी जाना होता है तो हम लोग अपने हस्बैंड के साथ ही प्रेफर करते हैं, तो गाड़ी में बैठते हैं चले जाते हैं वहीं पे, जो भी काम करना होता है खरीद के चले। आज क्योंकि अमीनाबाद मेन में कोई भी गाड़ी नहीं जाती तो हम लोग ई रिक्शा से गए, फिर ई रिक्शा ने अमीनाबाद में हमें उतारा और फिर जो हम लोग ने अपनी शॉपिंग के चक्कर में
ये गली वो गली यहाँ जाना वहाँ जाना किया है ना, तो उसकी वजह से हम लोग के पैर और हम लोग की खुद की हालत इतनी टाइट है। खाना हम लोग ने बाहर से ही आज छोले भटूरे चौक के जो फेमस हैं वहाँ से खा लिए, और घर आकर अब बिल्कुल फुल मूड है एकदम अच्छे से सोने का, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ गई थी। और अब आप सबसे भी गुड नाइट बोलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू अलॉट।